नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। नवम्बर 2020 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारे यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। नवंबर के महीने में ग्रह गोचर में 8 बड़ी बदलाव होने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में आपकी व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। बात करेंगे नौकरी के बारे में, शिक्षा, प्रेम संबंध, प्रवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और आपकी सेहत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर में होने वाली 8 बड़ी बदलाव के बारे में। दोस्तों, इस महीने में 1 नवंबर को बुध तुला राशि में अस्त से उदित होने वाले हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि से नवे स्थान में है, भाग्य स्थान में है। इसके बाद 3 नवंबर को बुध तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 13 नवंबर को मंगल मीन राशि में मार्गी होंगे। वर्तमान समय में आपकी राशि से दूसरे स्थान में धन भाव में है और धन भाव में मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन तुला राशि से वृश्चिक राशि में होगा, जिसमें सूर्य देव नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 17 नवंबर को शुक्र अपनी चाल बदलेंगे और कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे। 17 नवंबर को शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम स्थान से निकलकर नवम स्थान में होगा। इसके बाद 20 नवंबर को बृहस्पति देव भी अपनी चाल बदलने वाले हैं, जो कि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके लाभ स्थान से निकलकर एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में बृहस्पति देव आने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद 26 नवंबर को बुध दोबारा से अस्त होंगे और फिर 28 नवंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये 8 बड़े बदलाव नवंबर के महीने में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी व्यापार कारोबार के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए आपकी व्यापार की डेली इनकम के स्वामी सूर्य देव इस महीने में अपनी नीच राशि से निकलने वाले हैं और अपने मित्र की राशि में जाने वाले हैं और सूर्य की यह स्थिति आपके दशम भाव में बनने वाली है। 16 नवंबर से अगले 1 महीने तक सूर्य देव अपने मित्र की राशि में और आपके दशम भाव में रहने वाले हैं, यानी कि 16 नवंबर से अगले 1 महीने तक व्यापार में बड़े धन लाभ की स्थिति बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का समय भी आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस समय में सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। इस समय में नीच भंग राज योग का फायदा कुंभ राशि वालों को अपने बिजनेस में मिलेगा और अचानक से बहुत बड़े धन लाभ दिखाई देंगे। दोस्तों, आपकी नौकरी की बात करें तो नौकरी में कार्य क्षेत्र पर अपार सफलता मिलने का योग है, क्योंकि आपके करियर के स्वामी मंगल देव मीन राशि में इस महीने मार्गी हो जाएंगे और आपके धन भाव में रहेंगे। मंगल देव की यह स्थिति आपको अपने जॉब में निरंतर सफलता देने वाली है। मंगल देव की कृपा से इस महीने जॉब में प्रमोशन तो होगा ही, आगे बढ़ने की बहुत सारे मौके भी आपको मिलेंगे। नौकरी में बोनस तक प्राप्त होंगे, नई नौकरी पाने की इच्छा पूरी होगी। नौकरी में अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इस महीने में आप बेझिझक कर सकते हैं। बात करें आपकी शिक्षा की तो इस महीने बुध की स्थिति तुला राशि में भाग्य स्थान में मजबूत है और 28 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश भी आपके लिए महाभाग्यशाली है। कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए भी समय बेहतरीन रहेगा।
वैवाहिक जीवन की बात करें तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव महीने की शुरुआत में आ सकते हैं, लेकिन महीने के मध्य से अंत तक का समय तो बेहद खास रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो 20 नवंबर तक बृहस्पति देव की अपार कृपा आपको मिलेगा। परिवार से धन दौलत प्राप्त होगा। व्यापार कारोबार में रुपए पैसा लगाने में मदद मिलेगा। अपनों का साथ अपने कार्य क्षेत्र पर भी मिलेगा। हर प्रकार से आपके पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। चल रहे पुराने वाद विवाद दूर होते हुए दिखाई देंगे। सेहत की बात करें तो आपकी राशि की स्वामी शनि देव इस समय में भी आपकी राशि से 12वें स्थान में बने हुए हैं। मकर राशि में है। शनि की इस साढ़े साथी का प्रथम चरण कुंभ राशि वालों पर चला हुआ है, जिस वजह से सेहत की प्रति लापरवाही कुंभ राशि वालों को इस महीने भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन से सभी ग्रह आप में जोश और उत्साह को भरेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज्यादा बेहतर करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवंबर का महीना विदेशी कामों में भी सफलता देगा। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। विदेशी कंपनियों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रैवलिंग मार्केटिंग में भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना बेहद भाग्यशाली है और आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला है। हर प्रकार से आपके पुराने घाटे अब पूरे होने वाले हैं। आपके नुकसान की भरपाई नवंबर का महीना कर देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।